फाइनली दोस्तों बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज निकल के आ चुकी है, यानी कि दोस्तों गदर 2 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है अभी ही कुछ घंटे पहले। तो आइए जानते हैं ट्रेलर कैसी है, लोगों को पसंद आई या फिर नहीं, और ट्रेलर के हिसाब से इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन कितना हो सकता है। तो दोस्तों ट्रेलर की शुरुआत होती है काफी नॉर्मली प्यार और इमोशन के साथ, लेकिन हाँ काफी सारे लोगों का ये भी कहना था जब ट्रेलर रिलीज नहीं हुई थी कि डायरेक्टर अनिल शर्मा 80s के जमाने का डायरेक्टर है तो फिल्म भी उसी जमाने की होगी, लेकिन फाइनली उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है गदर 2 के इस ट्रेलर ने। जी दोस्तों काफी ज्यादा गूसबम्प्स बताया जा रहा है इसके ट्रेलर को, और सच में गदर पार्ट 1 इसके सामने कुछ भी नहीं है भाई। मतलब इस फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत तो नॉर्मली होती है, लेकिन धीरे धीरे जब इसका रुख बदलते जाता है ना भाई, एंड का जो एक्शन सीक्वेंस देखने को मिल रहा है वो सच में रोंगटे खड़े कर दे रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इस ट्रेलर में उत्कर्ष शर्मा का भी बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिला, मतलब कि ट्रेलर का कटिंग काफी शानदार किया गया है और इसके ट्रेलर में भी कुछ डायलॉग सुनने को मिला। और सबसे बड़ी सरप्राइज वाली बात तो ये है कि इस फिल्म में भी मैं निकला गड्डी लेके सॉन्ग होने वाला है, जिसका थोड़ा सा झलक आपको ट्रेलर में देखने को जरूर मिला है। स्टोरी की बात करें तो उत्कर्ष शर्मा जाते हैं, यानी कि सन्नी पाजी के बेटे जाते हैं पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तानी पुलिसों ने उन्हें बंदी बना लेता है और काफी ज्यादा उनके साथ दुर्व्यवहार भी करता है। फिर स्टोरी में दिलचस्प तब आती है जब तारा सिंह फिर से पाकिस्तान जाता है, और यही नहीं दोस्तों इस फिल्म में भी हो सकता है कि तारा सिंह हेडपंप उखाड़े। वैसे एक सीन तो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था कि इस फिल्म में तारा सिंह टायर के काफी बड़े पहिए को उखाड़ करके दुश्मनों के ऊपर वार करने वाले हैं, तो वो तो भाई होगा ही। इसके अलावा बहुत बड़े हथौड़े के साथ भी एक्शन सीक्वेंस इनका नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग लगी इस ट्रेलर के सबसे एंड में, जहां पर तारा सिंह फिर से हेडपंप को देखते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ट्रेलर में तो ये देखने को नहीं मिला कि हेडपंप को उखाड़े हैं, लेकिन हाँ हेडपंप को देखते हुए नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इस फिल्म में भी हेडपंप उखाड़ने वाले हैं। और भाई ट्रेलर में काफी ज्यादा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिल रहा है जो कि मुझे काफी शानदार लगा। तो वहीं इस फिल्म के ट्रेलर को मिक्स रिव्यू भी मिल रहा है, मतलब कुछ लोग इस ट्रेलर को अच्छा बता रहे हैं, गूसबम्प्स बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे बकवास भी बता रहे हैं, लेकिन बकवास बताने वाले लोग 100% में से 20% है। वैसे इस फिल्म के ट्रेलर को मैं 5/4 स्टार दूंगा, और अगर आपने इसके ट्रेलर को देख लिया हो तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। और हाँ ये भी जरूर बताना कि ट्रेलर का सबसे ज्यादा गूसबम्प्स वाला सीन आपको कौन सा लगा। साथ ही फिल्मी दुनिया से रिलेटेड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।